रायबरेली पुलिस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने एक हत्यारोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुकनहा गांव का था, जहां 2 अक्टूबर को ईंट भट्टे में तैनात चौकीदार छंगालाल की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने इस ब्लाइंड मर्डर हत्याकांड के खुलासे के लिए SOG व सर्विलांस टीम को जांच के लिए लगाया था। इसके बाद पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। इसके बाद मोनू पुत्र राजकुमार पासी निवासी ढगवा का पुरवा थाना खीरो के साथ जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि तिजोरी में रखे पैसों की लालच में उसने चौकीदार को मारा था। पुलिस ने हत्यारोपी मोनू के पास से 1,50,300 रुपये व हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। मैं चाहता हूं कि 2 तारीख की रात में करीब 3:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि अजीतपुर गांव है खीरो में, थाना खीरो का, वहां के पास एक भट्टा है, BFF भट्टा। वहां एक छंगालाल पासी, वहां एक चौकीदार था, उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई रात्रि 3:15-20 पे। सूचना प्राप्त होते ही लोकल पुलिस और तमाम वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी स्वयं वहाँ मौके पर पहुँच के हम लोगों ने जब जाँच पड़ताल की तो ये देखा कि वो उसकी हत्या सर पे चोट मार करके की गई थी, और जिस कमरे के बाहर वो सोया था उस कमरे में ताला लगा था। उस कमरे का ताला तोड़ करके अंदर जो अलमारी थी उसमें से अलमारी टूटी थी, और वहाँ जो भट्टे के मालिक थे उनके द्वारा बताया गया कि छुट्टी का दिन होने की वजह से वो वहाँ उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपये रखे थे जो वहाँ पर नहीं थे। अमूमन प्रतिदिन शाम को भट्टा मालिक वहाँ से पैसा निकाल करके और बैंक में जमा कराने के लिए अपने साथ लेके चले जाते थे, परंतु अगले दिन छुट्टी थी इसलिए उन्होंने वो पैसा वहीं छोड़ दिया था, ऐसा भट्टा मालिक के द्वारा बताया गया। मौके पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, और तमाम प्रयास और इन्वेस्टिगेशन के बाद 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए अजीतपुर गाँव के पास ही एक गाँव है, वहाँ के निवासी मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वो 1.5 लाख रुपए जो उन्होंने वहाँ से लिए थे और हत्या में प्रयुक्त जो वेपन था वो डंडा और उनके खून आलूदा कपड़े जो उन्होंने धो करके डाल दिए थे घर पे, वो पुलिस ने उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी में था कि छुट्टी के दिन पैसा वहाँ रहता है, वहाँ से मालिक लेके नहीं जाते हैं, तो और वो उसी भट्टे पे ट्रैक्टर भी चलाता है, तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम ये पैसा हमें निकालना है तो बाहर जो गार्ड करता है वो चौकीदार उसकी हत्या करके अंदर जाना पड़ेगा। तो उसने पास ही पड़े एक रॉड से 2-3 बार वार करके उस चौकीदार की हत्या कर दी। उसी रॉड से उसने फिर वो ताला तोड़ा और तोड़ करके अंदर गया और जा करके उसने अलमारी में से वो पैसे निकाले, और फिर उसके बाद उनको जहाँ वो रहता था CHC के पास उसका घर था, उसी घर के सामने उसने उसको कहीं गाड़ दिया। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पे वो पैसे बरामद कर लिए हैं, जो पैसे गए थे सारे पैसे बरामद हो गए हैं, और उसी की निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल था वो बरामद कर लिया गया है, और जो कपड़े उसने घटना के दिन पहने थे वो कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं, उनके बेनिन टेस्ट से उस पर खून के धब्बे भी आए हैं। और देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।